हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आटा ब्रेड, वो भी कढ़ाई में, क्योंकि माइक्रोवेव सभी के घरों में नहीं होता है, कढ़ाई सबके यहाँ मिल जाएगी। तो हम कढ़ाई में बनाएंगे आज आटा ब्रेड। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 कप आटा। इस आटे को हम छान लेंगे। अब इसी आटे में हमें 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाना है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इसको छान लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे एक तरफ रखते हैं, दूसरा बोल लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे बटर 2 चम्मच और इसी के अंदर डालेंगे हम खट्टा दही 3 से 4 चम्मच। अब इन दोनों को आपस में खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में नहीं हो जाएगा। अब हमारा मिक्सचर क्रीमी हो गया है बिल्कुल, देखिए। अब हमें ये आटा इसमें मिक्स करना है। अब हमें इसे दूध की सहायता से गूंथना है, एक चिपचिपा आटा बनाना है। अब हमारा चिपचिपा सा आटा तैयार है। इस तरीके से आटा होना चाहिए ये। अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं और इतने इस ब्रेड टिन को ग्रीस कर लेते हैं। अब हमें हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है और थोड़ा सा सरफेस पर, जिस पर हम ये आटा मसलेंगे। हमें मसलना पूरी तरीके से नहीं है, आटे जैसा नहीं करना है, जैसे हम डेली आटा बनाते हैं उस तरीके से नहीं करना है, बस हमें इसको एक सार करना है। जब तक हमारा ये आटा होता है तैयार, तब तक हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। अब हमें इसे इस टिन में इवनली स्प्रेड करना है। अब हमारा आटा इसमें फैल गया है। अब हमें इसे ऊपर से दूध से कोट करना है।
इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर हम ये स्टैंड पर ये टिन रख देंगे और वापस इसी ढक्कन से हम ढक देंगे इसको। अब कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर हमें पकाना है। 30 से 35 मिनट के अंदर हमारी ब्रेड बनकर तैयार है, बहुत सॉफ्ट ब्रेड बनी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Audio Jungle.